शारजा में मैच के बाद जो है अफगान क्रिकेट फैंस ने जो है बाकायदा ठीक ठाक किस्म की जो है पाकिस्तानी फैंस के साथ जो है मार कुटाई की है और कुर्सियाँ मारी हैं उनको इंक्लोजियर्स में। वीडियो में साफ नज़र आ रहा है शारजा का इंक्लोजियर है और किस तरह से जो है पाकिस्तानी फैंस जिन्होंने पाकिस्तानी ब्लेजर्स पहने हुए उनको जो है कुर्सियाँ मारी जा रही है। मतलब कि ऐसी कौन सी दुश्मनी हो गई हमारे साथ जो इतनी बदतमीजी आप लोग हमसे कर रहे हो? नहीं, हमने आप बिगाड़ा किया है, एक क्रिकेट मैच है, इतना एग्रेशन किस चीज का दिखा रहे हो? खास करके गेट के बाहर, स्टेडियम के गेट के बाहर जो है रोडों पे जो है दौड़ दौड़ के जो है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को जो है जो अफगान क्रिकेट फैंस थे उन्होंने मारपीट की है ठीक ठाक किस्म की। जिस तरह फैंस को मारा गया, कुर्सियां तोड़ी गई, ये कोई तरीका कार नहीं है। आपको बिल्कुल मसाइल हो सकते हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि जी हर कोई ठीक है, आपको जरूर इश्यूज हो सकते हैं हमारे मुल्क से, बिल्कुल हो सकते हैं। आसिफ अली बदतमीजी कर रहे हैं यार, उससे पहले आसिफ अली ने शदीद बदतमीजी की, वो तो कुछ करेगा ना, में जाए कुछ भी किया हो, मगर जो नजर आए वो बता रहा हूँ, हाथ पांव उठाने की इजाजत नहीं है भाई आपको। आप मुंह से जो कर सकते थे आप कर लेते यार, ऐसा होता है फील्ड के अंदर। ठीक है, क्रिकेट की इंटरेस्ट में भी है, गेम भी अच्छा हो जाता है, चलो ठीक है, मगर ये थोड़ी होता है कोई यार, क्योंकि हमको पाकिस्तान पसंद नहीं है, पाकिस्तानी पसंद नहीं फॉर एक्स वाई जेड रीजन। यार अफगानिस्तान ने आपको मोरली ये मैच हरा दिया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एशिया कप 2022 में सुपर फोर में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान जिस तरह से प्रेशर में आया, पाकिस्तान मीडिया अपनी टीम की खूब खिली उड़ा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि असल में यह मैच अफगानिस्तान ने जीता है, अफगानिस्तान ने पूरे क्रिकेट जगत के दिल जीत लिए। इस मैच में मैदान में प्लेयर्स की लड़ाई तो हुई ही, स्टेडियम में भी फैंस एक दूसरे से भिड़ गए। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि अफगानिस्तान के फैंस ने पाकिस्तानियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और उनका हाल बुरा कर दिया। दरअसल पाकिस्तान के खिलाड़ी आसिफ ने अफगानिस्तान के बॉलर को धक्का दिया, इसके बाद अफगानियों का पारा चढ़ गया और उन्होंने पाकिस्तानियों पर कुर्सियां उखाड़ उखाड़ चलानी शुरू कर दी, जिससे कुछ पाकिस्तानी जख्मी भी हुए। पाकिस्तानी मीडिया अफगानों के हाथों अपने फैंस की धुलाई होते देख सकते में है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। थोड़ी देर पहले मुझे कुछ एक दो दोस्तों ने कुछ वीडियोस भेजी, अब बड़ी डिस्टर्बिंग वीडियोस है यार वो, मतलब मैं आई कांट पुट इट ऑन माय चैनल, लेकिन उस वीडियोस में वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि शारजा में मैच के बाद जो है अफगान क्रिकेट फैंस ने जो है बाकायदा ठीक ठाक किस्म की जो है पाकिस्तानी फैंस के साथ जो है मार कुटाई की है और कुर्सियां मारी हैं उनको इंक्लोजियर्स में। वीडियो में साफ नज़र आ रहा है शारजा का इंक्लोजियर है और किस तरह से जो है पाकिस्तानी फैंस जिन्होंने पाकिस्तानी ब्लेजर्स पहने हुए उनको जो है कुर्सियां मारी जा रही है। और फिर मेरे कुछ अपने जो सीनियर दोस्त हैं शायद हाशमी वगैरह, उनसे भी मैंने कॉन्टैक्ट किया पूछने के लिए, क्योंकि वो लोग सब इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पर एशिया कप में। तो मैंने उनसे पूछा भाई कुछ हुआ है क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस? तो उन्होंने कहा हाँ भाई काफ़ी हुआ है यहाँ पर, और ख़ास करके गेट के बाहर, स्टेडियम के गेट के बाहर जो है रोडों पर जो है दौड़ दौड़ के जो है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को जो है जो अफगान क्रिकेट फैंस थे उन्होंने मारपीट की है ठीक ठाक किस्म की। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई वहाँ पुलिस मौजूद नहीं थी, पुलिस नहीं देख रही थी कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है? तो कह लेंगे नहीं, वो पुलिस तो गेट पर थी लेकिन ये गेट के बाहर भी हुआ है। लेकिन जो मेरे पास वीडियोज आई हैं उसमें तो बाकायदा जो है कैसे बोलते हैं अपना स्टैंड्स के अंदर ये किया जा रहा है और मतलब कुर्सियाँ मारी जा रही है पाकिस्तानी फैंस को। अब ये कौन सा तरीका है यार, ये मतलब ये किस किस्म की क्रिकेट है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये हमेशा ऐसे ही होगा पाकिस्तान अफगानिस्तान का जब मैच होगा, तो अगर अफगानिस्तान हारेगा तो उसके बाद अफगानी जो क्रिकेट फैंस है यही हरकत करेंगे, कुर्सियाँ उठा के मारेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को। 2019 के वर्ल्ड कप में जो हरकत हुई थी मतलब मैच के बाद, और जिस तरह से वहाँ पर मतलब वायलेंस इरप्ट हुआ था, जिस तरह से जो हरकतें वहां हुई है, अब उसके बाद मतलब आज मैच के दौरान दो प्लेयर्स ने मतलब लिटरली कोशिश की कि मतलब एक अच्छे माहौल में मैच हो, और अच्छे माहौल में मैच हुआ, मां सिवाय एक एंड में जो आसिफ का इंसिडेंट हुआ है विद फरीद, और वो भी जो है इसलिए हुआ कि जब उसने आउट किया फरीद ने, वो भी मैंने कंफर्म कर लिया कि मैच रेफरी ने दोनों को बुला लिया, फरीद को भी बुला लिया और आसिफ को भी बुला लिया, इसलिए क्योंकि जब आसिफ आउट हुआ 19th ओवर में तो फरीद ने जो है उसको गाली दी है, उस पर जो है फिर आसिफ ने रिएक्ट किया, बल्ला बल्ला उठा लिया। अब एक मैच जब पूरी तरह से अच्छा हो रहा है भाई, क्या जरूरत है यार, हाई टेंशन मैच है, ठीक है हाई वोल्टेज मैच है, देयर इज अ लॉट एट स्टेक, सब कुछ सही है। अफगानिस्तान अगर जीता आज तो वो इट वुड हैव रिमेंड कंटेंशन फॉर द फाइनल, क्या आप कर सकते हो यार। लेकिन अफगान क्रिकेट फैंस नीड टू सपोर्ट देयर व्हाट यू कॉल इट क्रिकेट टीम, नॉट इन दिस मैनर, नॉट बाय टर्निंग वायलेंट स्पेशली व्हेन दे प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान। ये कोई तरीका नहीं है यार, ठीक है पाकिस्तान अफगानिस्तान की हिस्ट्री चली आ रही है,
है मसले मसाइल, लेकिन साथ में ये भूल जाते हैं, या आई डोंट वांट टू मेक एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स। लेकिन ये जो ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड कुछ ऐसी बदमजगी वाली चीजें हो गई, उसकी वजह से इतना इतना वो कहते हैं ना कि रंग में भंग डल गया, तो रंग में पूरा तरीके से भंग डल गया। अगवान जो क्राउड आया हुआ था उन्होंने जिस तरह टारगेट किया मैच हारने के बाद पाकिस्तानी फैमिलीज को, खवातीन को, वहां के बच्चों को, वो किसी भी डिक्शनरी के अंदर जस्टिफाई नहीं होता, वो किसी भी डिक्शनरी। ये पहली दफा नहीं हो रहा, लीड्स में भी हुआ, पिछली दफा साल दुबई में भी हुआ, इस साल आज कल रात को शारजा में। ये भी मैं फैंस की बात कर रहा हूँ, आसिफ और फरीद के ऊपर तो हम बाद में आएंगे, ये वो वाली वीडियोज की बात कर रहा हूँ जो आई एम श्योर सबने अब देख ली होंगी, वो वायरल हुई हुई है आग की तरह कल रात से, जिस तरह फैंस को मारा गया, कुर्सियां तोड़ी गई, ये कोई तरीकाकार नहीं है। आपको बिल्कुल मसाइल हो सकते हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि जी हर कोई ठीक है, आपको जरूर इश्यूज हो सकते हैं हमारे मुल्क से, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ये जो वहां फैंस आए तो किसी का कसूर नहीं था उनमें से किसी का भी। कोई भी मुल्क कुछ भी करे, किसी एक उसके मुल्क के सिटीजन का कोई कसूर नहीं होता, वो भी आपकी तरह हमारी तरह जीता जागता इंसान होता है। अगर आज हम इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे उन फैंस को कि नहीं जी बिल्कुल सही किया, क्योंकि हमको पाकिस्तान पसंद नहीं है, पाकिस्तानी पसंद नहीं फॉर एक्स वाई जेड रीजन, और हम अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं जी बिल्कुल सही किया, फैंस को मारा और मजाक उड़ाना, तो ये याद रखिएगा ये आग जब लगती है तो अगर एक घर में लगती है तो दूसरे के घर में भी आती है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी और टीम के साथ फिर करेंगे, क्योंकि आज अगर इनको एक हार पाकिस्तान से बुरी लग रही है तो इनको हार किसी और से बुरी लगेगी। देखिए आसिफ और फरीद के ऊपर तो हमको क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिबेट और वहां न्यूट्रलाइजेशन का हम पॉइंट रख सकते हैं कि किसकी गलती, किसने पहले गाली दी, प्रोवोकेशन, पर्सनल स्पेस, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जिस तरह फैंस को टारगेट कर किया गया, जिस तरह वायलेंस किया गया फैंस के ऊपर जो कि इनोसेंट फैंस है, पहली दफा नहीं हो रहा। पहली दफा हो रहा तो समझ आता, इंग्लैंड में हुआ, पिछले साल दुबई में हुआ वर्ल्ड कप में, इस बार फिर हुआ 2018 के एशिया कप में हुआ। ये मतलब ये कोई तरीकाकार नहीं है कि दो टीमें खेलने आती हैं, एक जीतेगी एक हारेगी, हर दफा इतना इतना ज्यादा रिएक्शन के अब यहाँ तक नौयत आ गई कि कुर्सियां निकाल निकाल के वो कुर्सियां मारी गई हैं, ना फैमिलीज देखी गई, ना छोटे बच्चे देखे गए, ना बुजुर्ग देखे गए, ना बच्चे देखे गए, ना जवान देखे गए। ये कौन सा होलिगनिज्म है, ये कौन सी बारबेरियज्म है, ये कौन से जंगल के कानून में हम जिंदा हैं, इस जंगल के कानून को हम एक्सेप्ट करेंगे, व्हाट एवर इट इज, दिस इज अ वेरी 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 शेमफुल। आसिफ अली बदतमीजी कर रहे हैं यार, उससे पहले आसिफ अली ने शदीद बदतमीजी की तो वो तो कुछ करेगा ना, बाहर में जाए कुछ भी किया हो, मगर जो नजर आए वो बता रहा हूं, हाथ पांव उठाने की इजाजत नहीं है भाई आपको, आप मुंह से जो कर सकते थे आप कर लेते यार, ऐसा होता है फील्ड के अंदर। ठीक है क्रिकेट की इंटरेस्ट में भी है, गेम भी अच्छा हो जाता है, चलो ठीक है, मगर ये थोड़ी होता है कोई यार कि आप हाथ पांव उठाने की कोशिश करो। हमने मिस किया, आसिफ ने बदतमीजी की है, दुनिया लिख रही है कि आसिफ ने मारा है पहले। यार आसिफ ने तो मैं ये कह रहा हूँ कुछ भी है हाँ, मारा मूरी छोड़ दो है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो नजर आया उस पे बात कर रहा हूँ, और जो नजर आया वो ये आया कि यार अफगानिस्तान ने आपको मोरली ये मैच हरा दिया, उसकी वजह ये है कि उनके पास कोई भाई चने पे झाड़ पे चढ़े हुए ना 150 के बॉलर, लोग बच गए सुबह से जो बैठे हुए थे बच गए, इतना थ्रिलर हो गया